वेलकम एवरी वन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.4 के वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से 9 तक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसके प्रीवियस में हमने 1 2 कर चुके हैं, तो अगर नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है कॉम्बिनेशन का। इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, उसमें क्या है 21 पॉइंट्स है, उसमें उससे हम कितने तरीके से हम कॉर्ड्स को ड्रॉन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक सर्कल लेते हैं पहले। ठीक है, ये एक सर्कल है, मान लेते हैं इसमें हम 3 पॉइंट लिए। ठीक है, 21 का दिखाया हम, 3 का पहले देख लेते हैं। 3 जैसे लिए तो 1 कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट से 3 मेरे पास होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास 1 कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अब मेरे पास टोटल कितना पॉइंट है, 3। तो एनसीआर का मीन्स कितना हो जाएगा, 3C2 हो जाएगा। 3C2 मीन्स क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल, इसको हम देखो फैक्टोरियल 2 × 3 − 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या ये मेरे पास कितना आ गया, फैक्टोरियल 3 बाय आ गया फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो गया, 3 × फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, तो कितना आ गया 3। तो 3 कॉर्ड्स ही होगा, तो उसी तरह से इसमें से करेंगे। इसमें कितना पॉइंट दिया है, मेरे पास 21 पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1 कॉर्ड कैन बी ड्रॉन, ये हाँ ड्रॉन लिखा है तो ड्रॉन ही लिखते हैं। ठीक है, थ्रो क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट से हम कर सकते हैं। मेरे पास टोटल पॉइंट कितना है, मेरे पास पॉइंट्स दिया है, यहाँ पर पॉइंट्स आर जो गिवन पॉइंट्स है वो कितना है, एन इक्वल टू कितना है 21। ठीक है, 21 है, और यहाँ पर मेरे पास आर कितना हो गया, 2 हो गया। तो देयर फॉर मेरे पास कितना हो जाएगा, जो हमको फाइंड करना है रिक्वायर्ड कॉर्ड्स हो जाएगा, जिसको हम ड्रॉन कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 21C2। ठीक है, अब 21C2 को हम क्या बताएं, डायरेक्ट भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले एक बार हम लिख लेते हैं सही करके। ठीक है, फैक्टोरियल 21 बाय हो जाएगा यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल × 21 − 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना आ गया, फैक्टोरियल 21 इस तरह से आ रहा है बाय हो गया ये फैक्टोरियल 2 × कितना आ जा रहा है, ये फैक्टोरियल 19, यही ना, फैक्टोरियल 19 हो जा रहा है। तो इसको हम इस तरह से अब लिखेंगे, ये आ गया 21 × इसको लिखेंगे यहाँ पर 21 × 20 × फैक्टोरियल 19 बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, × फैक्टोरियल 19। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 को हम 2 × 1 भी कर सकते हैं, इसके साथ ये कट गया, कितना बार में आया ये 10 टाइम्स में, यही ना। तो ये टोटल कोड्स कितना हो गया इसमें से, 21 × 10 210 कोड्स। ठीक है, और एक चीज देखो यहाँ पर हिंट हम दे दे रहे हैं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं शॉर्ट में, जैसे यहाँ पर है ये 21C2 है ना, तो डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं 21 × 20 / 1 × 2 या 2 × 1। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे पास कट गया, तो कितना आया 221 कोर्स, यही ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर NC(n − r) जो हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक जो आया 19, तो 19 तो कट ही ना जाएगा, तो मेरे पास कितना आया, 19 तक कट गया, तो जितना 2 तक है तो 2 तक ही आएगा, उसी तरह 3 तक है तो 3 तक ही आएगा। तो हम इस तरह से अब शॉर्ट में करेंगे, जैसे 21C2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, 21 × 20 और ये 2 × 1। अगर मेरे पास रहेगा 21C3 रहेगा तो 21 × 20 × 19, और इधर इसमें से हम कर देंगे 3 × 2 × 1, क्योंकि वो माइनस होकर दे तो मेरे पास कट ही जाता है ना। ठीक है, तो इस तरह से भी शॉर्ट करेंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट में बन जाएगा। तो इसी तरह से ट्राई करेंगे हम। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 में दिया हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और
थ्री गर्ल्स को सेलेक्ट करना, थ्री बॉयज को किस में से करना है, फाइव बॉयज में से, थ्री गर्ल्स को किस में से करना है, फोर गर्ल्स में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें लिखेंगे यहाँ पर थ्री बॉयज हो गया, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं थ्री बॉयज कैन बी सेलेक्टेड, कितना आउट ऑफ है, आउट ऑफ फाइव बॉयज, इन कितना हो जाएगा, किस वेज में होगा ये, फाइव से थ्री वेज, यही होगा। उसी तरह से फिर ये आ जाएगा, ये थ्री गर्ल्स आ जाएगा यहाँ पर, थ्री गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ कितना गर्ल्स है, फोर गर्ल्स, ठीक है, फोर गर्ल्स, तो ये कितना वेज में जाएगा, फोर सी थ्री वेज में, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अब हमको क्या करना है, इसमें से नंबर ऑफ वेज हमको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो देयर फोर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, देखो यहाँ पर ये क्या दिया, इन हाउ मेनी वेज दिया है, टीम ऑफ थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स, ये एंड जो आ गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है, ये मल्टीप्लाई के केस में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, फाइव सी थ्री इंटू फोर सी थ्री, अगर और रहता तो प्लस में होता, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अभी जो हम बताए एन सी एन माइनस आर के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, फाइव सी टू हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री, फाइव सी टू हो गया। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो फोर माइनस थ्री कितना हो जाएगा, फोर सी वन, ठीक है। इस पर हम चाहें तो इसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये उससे शॉर्ट बनेगा और इससे अच्छा बनेगा, ठीक है, जल्दी बनेगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे है मेरे पास, क्या करेंगे, फाइव इंटू फोर करेंगे, टू है तो टू टाइम्स करेंगे, टू इंटू वन करेंगे, और ये इंटू हो गया, ये फोर हो गया, या तो वन ही है, ठीक है, वन टाइम्स ही लिखे हैं, तो ये मेरे पास कितना कट गया, ये टू टाइम्स में कट गया, तो कितना आ गया ये टेन इंटू फोर, तो कितना आ गया ये फोर्टी, फोर्टी तरीका है जैसा है जिसमें हम इसको वेज में इसको हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप आसानी से कॉम्बिनेशन के वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप फॉर्मूला का यूज करके कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं रेस्ट क्वेश्चंस का हम हिंट दे देते हैं, उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव जो दिया हुआ है, इसमें फाइव में दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नाइन बॉल्स फ्रॉम सिक्स रेड बॉल, ठीक है, फाइव व्हाइट बॉल, फाइव ब्लू बॉल, इफ ईच सेलेक्शन कंसिस्ट थ्री बॉल ऑफ ईच कलर, ठीक है। मेरे पास जो है टोटल सिलेक्शन कितना करना है, इसमें टोटल सिलेक्शन करना हमको यहाँ पर, सिलेक्शन करना यहाँ पर नाइन बॉल्स करना, ठीक है, नाइन बॉल्स का टोटल करना यहाँ पर, ठीक है। इसमें से मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसमें से दिया है नाइन, सिक्स रेड बॉल है और ये फाइव व्हाइट बॉल है और फाइव ब्लू बॉल है, सभी को क्या करना है, थ्री करना है, थ्री बॉल्स ईच करना, सिलेक्शन करना हमको थ्री करना है, थ्री बॉल्स ऑफ ईच कलर, ठीक है, सभी कलर का ईच करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज ऑफ सिलेक्शन या नंबर ऑफ सिलेक्शन कर देते हैं, नंबर ही इसको हम फाइंड कर लेंगे ना, नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से मेरे पास क्या दिया हुआ, इसमें सिक्स रेड बॉल है, ठीक है, तो सिक्स से थ्री हो जाएगा इनटू एंड में है सारा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये फाइव व्हाइट बॉल है तो फाइव से थ्री हो जाएगा, और ये फाइव ब्लू बॉल है तो फाइव से थ्री हो जाएगा, टोटल देखो थ्री थ्री सिक्स और थ्री नाइन आ जाएगा ये, इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सिक्स को, देखते हैं सिक्स में दिया हुआ है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें जो है ये कार्ड हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कार्ड हमको सेलेक्ट करना है, इसमें से कार्ड हमको सेलेक्ट करना है जिसमें क्या रहेगा, एगो एस का कार्ड रहेगा, ठीक है, बाकी सब इस तरह का कोई कार्ड रहेगा, ठीक है, मतलब टोटल फाइव कार्ड होना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव हो रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहा है कि यहाँ पर टोटल तो 52 कार्ड होता ही है मेरे पास, ठीक है, इसमें कार्ड में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमको एस का सिलेक्शन करना है, ठीक है, एस का अगर हमको सिलेक्शन करना है, उसका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, ये फोर सी वन आएगा, ठीक है, क्योंकि चार कार्ड होता है एस का,
टोटल जो कार्ड होता है 52 कार्ड में, उसमें एस कितना होता है, 4 होता है, जिसमें से हमको ए को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट मेरे पास एस नहीं, दूसरा कुछ रहेगा, ठीक है। तो अब 4 में से इसमें हम सिलेक्शन कर लिए, तो 4 को क्या करेंगे, ये एस को आउट कर देते हैं, तो क्या बच रहा है मेरे पास, एस को छोड़ के मेरे पास 52 में से 52 माइनस 4 कितना हो जा रही है, 48 कार्ड बच रहा है रिमेनिंग का, ठीक है। तो 48 में से हम किसी भी 4 को ले सकते हैं, तो रिमेनिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग सिलेक्शन जो होगा, रिमेनिंग कार्ड सिलेक्शन जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48C4, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इसमें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन ये हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एंड में है तो क्या हो जाएगा, 4C1 इंटू कितना हो जाएगा, 48C4, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसमें से, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पर 7 में दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11, ठीक है। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर ही होता है, तो 11 को हमको सिलेक्शन करना है, जिसमें से मेरे पास 17 प्लेयर्स है, इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, 5 प्लेयर जो होगा बॉलिंग करेगा, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, ठीक है। तो देखो इसमें से क्या दिया हुआ है, मेरे पास टोटल प्लेयर्स क्या है, लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल प्लेयर्स है 7 का, टोटल प्लेयर्स इक्वल टू कितना है, 17, ठीक है। अब उसमें से जो दिया है मेरे पास, जिसमें से 5 प्लेयर जो है बॉलर है, ठीक है, इसी में से जो है, इसमें से क्या है, 5 जो है बॉलर है, ठीक है, और रेस्ट क्या बच रहा है मेरे पास, और इसमें से कितना बच रहा है, 17 में से 12 बच जा रहा है, 12 बच रहा है मेरे पास, क्या हो जाएगा, ये बैट्समैन भी हो सकता है, ठीक है, बैट्समैन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये फील्ड करने वाला हो गया, फील्डर हो गया ये, ठीक है, इस तरह से आ गया ये, मतलब बॉलर नहीं है, 12 प्लेयर जो है उसमें से बॉलर नहीं है, यही ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास, अब यहाँ पर हमको सिलेक्शन करना है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते फिर से, यहाँ पर देखते हैं दिया है 5 बॉलर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, मेरे पास तो 11 प्लेयर का होना चाहिए टीम, ठीक है, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, ठीक है, हमको 4 बॉलर हमको होना ही चाहिए, समझ रहे बात को, 4 बॉलर लेना है टोटल 5 बॉलर में से, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेलेक्शन लिख देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेलेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 5 बॉलर में से 4 को बॉलर लेना है, ठीक है, 5C4 हो जाएगा, और ये जो बचा है मेरे पास, हमको 11 करना है, तो 4 हम ले लिए हैं, प्लेयर ले लिए 11 में, तो 7 प्लेयर लेना है, तो रिमेनिंग प्लेयर्स क्या है मेरे पास, 5 अगर 17 में से ले लिए हैं, तो 12 बचा है, तो 12 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको शॉर्ट भी हम कर सकते हैं, देखो ये एन सी एन माइनस आर कितना हो गया, ये होता है ना ये फॉर्मूला, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर, ये होता है, ठीक है, तो उसी को लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5C1 भी हो जाएगा ये, और इसका कितना हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो 12C5 भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है, 12C5 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगर हम इस तरह से अगर हम लिख लिए, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 हो गया ये, सीधा सी बात है, 1 टाइम्स में है, तो 5 इंटू ये हो गया मेरे पास, 5/1 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा, 12 इंटू हो जाएगा ये 11 इंटू 10 इंटू 5 बार लेना है, 1, 2, 3 हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया 9 हो गया इंटू 8 भाई कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस तरह से आएगा ये नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 में दिया हुआ है, ए बैग कंटेंट्स दिया है यहाँ पर 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, एंड दिया हुआ है, मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से ही इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों का कॉम्बिनेशन को, तो 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल लेना है, 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल लेना है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का जो है यहाँ पर
पांच ब्लैक बॉल में से क्या करना है, दो ब्लैक बॉल लेना है, ठीक है। तो आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पांच ब्लैक बॉल में से दो ब्लैक बॉल लेना है, ठीक है। तो 5C2 हो गया, और इसमें से क्या है, छह रेड बॉल में से थ्री रेड बॉल लेना है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 6C3, ठीक है। तो इसको हम ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 5×4/2×1×, ये क्या हो जाएगा, 6×3 है ना, तो 6× कितना हो जाएगा, 5×4/3×2×1। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पर 9 में दिया हुआ है ये, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ, दिया यहाँ पर 5 courses, पांच कोर्स है, ठीक है, पांच कोर्स सेलेक्ट करना है, इफ 9 courses आर अवेलेबल, ठीक है। टोटल कोर्स कितना है, 9 course है, एंड 2 specific courses as compulsory फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। ये अवेलेबल को कोर्स कितना है, अवेलेबल कोर्स है मेरे पास, कोर्सेज कितना है, ये 9, ठीक है। हमको सेलेक्शन करना है कितना, यहाँ पर सेलेक्शन करना है 5 course को, ठीक है, सिलेक्शन करना है हमको 5 courses को, ठीक है। जिसमें से मेरे पास क्या दिया है, 2 course दिया स्पेसिफिक और कंपलसरी, यहाँ पर लिखेंगे कंपलसरी कोर्स, कोर्सेस कितना है मेरे पास, 2 है, ठीक है। तो मेरे पास कितना बच रहा है, आफ्टर कंपलसरी क्या बच रहा है, रिमेनिंग जो बच रहा है कोर्सेस टू बी सिलेक्शन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 9-2, यानी क्या हो जाएगा, 7 courses, ठीक है। ये हो गया आउट ऑफ 7 courses हो गया। अब ये जो आएगा 7 में से हमको कितना लेना है, ये हमको करना क्या है, इसको इस तरह से लिखते हैं, 5-2 हो जाएगा इक्वल टू 3, आउट ऑफ क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ हो जाएगा ये 9-2 इक्वल टू 7, यानी करना क्या है, हमको करना है 3 out of 7, ठीक है। ये हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, 3 course करना है, 7 course में से सेलेक्ट करना है। तो इसको हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, therefore लिखेंगे यहाँ पर required number of selection, ठीक है। सिलेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा ये 7C3, ठीक है। जो भी आएगा इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सब बहुत ही इजी लेवल का है। तो इसके हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको कंप्लीट कर ले। किसी को भी सॉल्व करने प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।